उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनूठा संगम डोहिला महोत्सव 10 मार्च से 13 मार्च स्थान किला डोहिला खुरई शाम 6 बजे से आप सभी सादर आमंत्रित सौजन्य नगर पालिका परिषद खुरई। सागर के खुरई में होने वाले हर साल की तरह इस साल भी मशहूर डोहिला महोत्सव का आगाज हो चुका है। हालांकि डोहिला महोत्सव को कोरोना के चलते कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब खुरई की जनता में डोहिला महोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के गायक अपनी प्रस्तुति देने पहुंचेंगे। इस महोत्सव के पहले दिन भजन सम्राट हंसराज रघुवंशी अपनी प्रस्तुति देंगे। डोहिला महोत्सव कार्यक्रम के आगाज से पहले यहाँ की जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खुरई के किले में आयोजित इस डोहिला महोत्सव में साज सज्जा अब आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। इस डोहिला महोत्सव के पहले दिन यानी आज भजन सम्राट हंसराज रघुवंशी अपनी प्रस्तुति से जनता का मन मोहने आ रहे हैं, जबकि 11 मार्च यानी कल प्लेबैक सिंगर आकृति कक्कड़ अपनी प्रस्तुति देंगी। 12 मार्च को जानकी बैंड द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी, जबकि 13 मार्च को मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण अपने गीतों से डोहिला महोत्सव में जलवा बिखेरेंगे। ये हम सब लोग 14 जनवरी के शुरू में प्रारंभ कराते थे, चूँकि कोरोना काल था उस टाइम हम लोगों ने इसको स्थगित किया मंत्री जी ने, और फिर अब ये 10 तारीख से हम लोग इसको डोहिला महोत्सव को कर रहे हैं। चूँकि खुरई वासियों की ये शान है, खुरई वासी चाहते हैं कि हमारा डोहिला महोत्सव होता रहे। इस बार खास बात ये है कि पहले हम लोग 3 दिन का करते थे, इस बार हमने इसको 4 दिन का किया है, और 4 दिन में जो कलाकार आ रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, जो इस डोहिला महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी प्रस्तुति देके खुरई वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को के लिए हम सब के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है ये, कि जो हमारा डोहिला महोत्सव वाकई डोहिला महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय खुरई से लाखन सिंह, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।